हेलो गाइज, इट्स पल्लवी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग शंकर भगवान जी के बॉडी पार्ट्स को हम लोग ड्रॉ करेंगे और क्लोथ्स को ड्रॉ करेंगे। और गाइज, ये पार्ट थर्ड है। इससे पहले मैंने दो पार्ट अपलोड किया है जिसमें कि मैंने आउटलाइन को ड्रॉ करना बताया है, और सेकेंड पार्ट में मैंने शंकर भगवान जी के फेस को ड्रॉ करना बताया है, हेयर को ड्रॉ करना बताया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर लेना और आप देख लेना। और तो इस वीडियो में हम लोग सब कुछ ब्रीफ में सीखने वाले हैं, बिल्कुल इजी वे में गाइज। और इस ड्राइंग को करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ कैमल का ऑयल पेस्टल कलर, और कुछ कुछ जगह पे मैं दूसरा कुछ यूज करूंगी, तो आपको सब कुछ बताने वाली हूँ, तो आप लोग देखो ध्यान से। तो सबसे पहले गाइज, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने शंकर भगवान जी का जो क्लोथ है वो ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ पे मैं सिंपली ब्राउन कलर का यूज कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हो, इसमें आप लोग इसी कलर का यूज करो और आप लोग भी ऐसे ही ड्रॉ करो, और ध्यान से देखो कि मैं कैसे कैसे किस जगह पे कैसे ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बॉडी कलर को करने के लिए कुछ पिंक कलर का भी यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज आप लोग रेफरेंस पिक को देख सकते हो, उसमें पिंक कलर है। और हाँ गाइज, आप भी ये ड्रॉ कर रहे हो तो इस रेफरेंस पिक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और हाँ, आप इसको ड्रॉ कर रहे हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना तो बिल्कुल मत भूलना। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ डीप येलो का क्लोथ को ड्रॉ करने के लिए, तो आप लोग देख सकते हो। और हाँ गाइज, ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई नहीं करना है, जहाँ पे लाइट है वहाँ पे एकदम लाइटली शेडिंग करना, और जहाँ पे थोड़ा डार्क है आप लोग देख सकते हो कुछ कुछ जगह पे मैं प्रेशर का अप्लाई कर रही हूँ, तो ये आप लोग ऑब्जर्व करो और ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। डीप येलो यूज़ करने के बाद अब हम यूज़ करेंगे थोड़ा थोड़ा ऑरेंज कलर का। आप लोग देखो कि इसको मैं कहाँ कहाँ इसका यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद हम लोग कॉटन बड का यूज़ करके पूरे अच्छी तरीके से हम लोग ब्लेंड कर देंगे। सबसे पहले जो डार्क एरिया है उसको मैं एक साइड से कर रही हूँ, एंड जो लाइट एरिया है उसको मैं दूसरे साइड से कर रही हूँ, तो ये आप लोग ध्यान देना। अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाने के बाद अब हम लोग ड्रॉ करेंगे शंकर भगवान जी के बॉडी को। तो इसमें सबसे पहला कलर मैं यूज़ कर रही हूँ लाइट ब्लू कलर का। इससे पहले मैंने आप साइड साइड में देख सकते हो पिंक कलर का यूज़ करा है, तो आप लोग ऐसे करना। अगर आप लोग रेफरेंस पी को ध्यान से देखोगे तो आप लोग देखना कि बहुत ज़्यादा कहीं कहीं लाइट है और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा डार्क है, तो ऐसे इसको ध्यान रख के करना है, इसलिए मैं ऐसे कलर कर रही हूँ। और इसको ब्लेंड करने के लिए जहाँ पे मैंने छोड़ा है वहाँ पे मैं वाइट कलर का यूज़ करूँगी, तो ये आप लोग देखो ध्यान से। हो जाने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ चारकोल पेंसिल का, जो भी लाइनिंग्स है, जो भी डार्क एरिया है उसको थोड़ा सा शो करने के लिए। अब हम लोग का
करेंगे शंकर भगवान जी के सर्प को कलर, तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले तो लीफ ग्रीन का, और उसके बाद हम लोग डीप ग्रीन का यूज़ करेंगे, और उसमें थोड़ा सा हम लोग डीप ब्राउन का भी यूज़ करेंगे। तो आप लोग देखो कि मैं कहाँ कहाँ यूज़ कर रही हूँ। उसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा हम लोग डीप येलो का भी यूज़ कर देंगे, और जहाँ पे मैंने कलर नहीं करा है वहाँ पे मैं वाइट कलर का यूज़ कर रही हूँ। और फिर हम लोग चारकोल पेंसिल का यूज़ करके जो भी डार्क पार्ट है उसको डार्क कर देंगे। कुछ पार्ट्स का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक्रेलिक कलर का। आपके पास नहीं है तो आप पेंसिल कलर का भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे स्नैक में मैं थोड़ा सा ब्राउन कलर का यूज़ कर रही हूँ। और फिर आप लोग देख सकते हो रेफरेंस पिक में क्लोथ पे बहुत सारा डॉट्स है, तो उसको बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्राउन एंड रेड को थोड़ा मिक्स की हूँ, और उसी से मैं ये सब कर रही हूँ। ब्राउन कलर को यूज़ करके हम लोग त्रिशूल का जो पार्ट है वो भी हम लोग ड्रॉ करेंगे, और एक बार हम लोग पूरा ब्राउन कलर और रेड कलर को मिक्स करके कर देंगे, और फिर उसमें हम लोग येलो कलर को लाइटली उसमें शेडिंग करेंगे, तो बहुत ही अच्छे से रियलिस्टिक सा हम लोग का जो त्रिशूल का जो डंडी है वो ड्रॉ हो गया है, आप लोग देख सकते हो। और फिर यहाँ पे मैं वाइट कलर का यूज़ करके थोड़ा कुछ हाईलाइट्स कर रही हूँ क्लोथ में। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे माला को, तो माला को ड्रॉ करने के लिए मैंने ब्राउन में थोड़ा सा ब्लैक मिक्स किया है, और उस कलर से मैं ये कर रही हूँ, और इसके ऊपर से हम लोग थोड़ा सा वाइट और येलो कलर कर देंगे तो ये रियलिस्टिक बन जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब हम लोग ड्रॉ करेंगे शंकर भगवान जी के दोनों हाथ को, तो दोनों हाथ को ड्रॉ करने का सेम प्रोसेस है गाइस, जैसे हम लोगों ने बॉडी को ड्रॉ किया वैसे हम लोग हाथ को भी ड्रॉ करेंगे, और सेम कलर का भी यूज करेंगे।
पे हमें कलर करना है त्रिशूल में। त्रिशूल को ड्रॉ करने के लिए मैंने व्हाइट में थोड़ा सा ब्लैक को मिक्स किया है और ग्रे कलर को बनाया है, और उससे हम लोग सबसे पहले पूरे त्रिशूल को कलर करेंगे। और फिर उसको हाईलाइट करने के लिए मैं सिंपली व्हाइट कलर का यूज़ करूँगी, और इससे हम लोग का जो त्रिशूल है बहुत रियलिस्टिक बन जाएगा। आप लोग देखो ध्यान से। करना है बाकी के क्लोथ्स को कलर। तो जैसे हमने ऊपर के क्लोथ को कलर किया है, वैसे हम लोग सेम वे में नीचे के भी क्लोथ्स को कलर कर देंगे। और जो भी मैं एक्स्ट्रा कलर यूज़ कर रही हूँ, मैं सबका नाम मेंशन कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखो गाइज। इतना होने के बाद जो भी क्लोथ्स में हाइलाइट्स है उसको क्रिएट करने के लिए मैं कैंची का यूज़ कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे मैं थोड़ा एक्रेलिक कलर का भी यूज की हूँ थोड़ा वाइब्रेंट सा लुक के लिए, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे बैकग्राउंड को कलर करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ सॉफ्ट पेस्टल पिंक कलर का और वाइट कलर का। अगर आपके पास नहीं है तो आप पेंसिल कलर का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ होता है हमारा ड्रॉइंग कम्प्लीट। एंड गाइज प्लीज आप लोग कॉमेंट करके बताओ कि आपको ये ड्रॉइंग कैसा लगा, बिकॉज गाइज इस ड्रॉइंग को करने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगा, लगभग 20 आवर लग गए हैं इसको ड्रॉ करने में। तो आप लोग प्लीज़ बताना कमेंट करके कि आपको ये ड्राइंग कैसा लगा। अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो भी लोग इसको ड्रॉ करना चाहते हैं वो इसको ड्रॉ कर पाएँ। एंड मिलते हैं आप सभी से ऐसे ही एक न्यू ट्यूटोरियल वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइज, लव यू ऑल।